मुंबई का कर्नाक ब्रिज अब ट्रैफिक के लिए बंद हो चुका है। कर्नाक पुल से आवाजाही करने वाले वाहन चालकों के लिए ये खबर बहुत जरूरी है। दरअसल इस पुल का मरम्मत कार्य शुरू किया गया है। इस वजह से इस पुल पर आने जाने वाले वाहनों को अगले कुछ दिनों तक वैकल्पिक मार्गों से आवाजाही करनी होगी। इस संबंध में मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को एडवाइजरी जारी की। इसके मुताबिक दक्षिण मुंबई के कर्नाक पुल को सोमवार से वाहनों के लिए बंद कर दिया गया। ये पाबंदी पुल के पुनर्निर्माण तक जारी रहेगी। इस पुल को 2024 तक खोलने की योजना भी बनाई गई है। सीएसएमटी और मस्जिद रेलवे लाइन के बीच बने लगभग 150 साल पुराने कर्नाक ब्रिज को आखिरकार बंद किए जाने का निर्णय ले लिया गया। सन 1867 में निर्मित इस ब्रिज की जर्जर स्थिति को देखते हुए वाहनों के लिए प्रतिबंधित करने का निर्णय मुंबई पुलिस ने लिया है। जर्जर हालत में पहुंच चुके कर्नाक ब्रिज को डिसमेल्ट करने की योजना रेलवे बना चुकी है। सीपीआरओ शिवाजी सुतार ने कहा कि मध्य रेलवे को संयुक्त सीपी मुंबई और बीएमसी से एनओसी की जरूरत थी। अब मुंबई पुलिस ने यातायात बंद करने का निर्णय ले लिया है तो जल्द ही ब्रिज को गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी। व्यस्ततम रेल मार्ग पर खड़े इस ब्रिज को तोड़ने के लिए मध्य रेलवे को कई ब्लॉक लेने होंगे। एमसीजीएम द्वारा बनाए गए हैंकॉक पुल को पिछले 13 अगस्त से वाहनों के लिए खोल दिया गया। अब कर्नाक आरओबी को बंद करने से ज्यादातर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होगी। गौरतलब है कि मुंबई आईआईटी ने भी अपने रिपोर्ट में कर्नाक ब्रिज को खतरनाक घोषित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।